मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो आज अपन इस पर टॉपिक्स पर अपने जो डिस्कस करेंगे, तो एनर्जी लेवल डायग्राम का जो अपन प्रोफाइल बनाएंगे वो किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगी। फर्स्टली आपको मैं इस पर डिस्कस करता हूँ रफली कर से कि इट मीन यहाँ पर क्या है कि वेन 1s ऑर्बिटल ऑन 2 एटम फॉर्म 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। आपको पता है जैसे आपने लास्ट एक एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में क्या है कि पर एटम क्या है 1s1 ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसकी 1s ऑर्बिटल में क्या है 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो इट फॉर्म 1s ऑर्बिटल प्लस 1s ऑर्बिटल इक्वल टू 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, इट फॉर्म 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन दिस कंडीशन। ठीक है, और इनमें जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, वन इज सिग्मा 1s एंड अदर वन इज सिग्मा स्टार, यानी कि एंटीबॉन्डिंग 1s। ठीक है, कि फर्स्ट एक यहाँ पर जो 1 मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग, और एक क्या होगा सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। लाइक इसी तरह से सिमिलरली अगर क्या है कि 2s और 2p ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेट इन दिस कंडीशन, सो टोटल 8 मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। ठीक है, अगर क्या है कि इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स अपने लेते हैं कि जिसमें क्या है कि 2s और 2p ऑर्बिटल वहाँ पर प्रेजेंट है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस कंडीशन में टोटल क्या है कि आपके 8 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। इन 8 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या है कि 4 मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज एंटीबॉन्डिंग एंड 4 मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर फॉर्म होंगे, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार लेंगे आप यहाँ पर 2s, ठीक है, और सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2pz और 2 अदर 2 क्या रहेंगे पाई एंटीबॉन्डिंग 2px और पाई एंटीबॉन्डिंग 2py। ठीक है, जेड से तो सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो अदर टू से क्या होगा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, बट यहाँ पर सभी क्या रहेंगे एंटीबॉन्डिंग। तो सेम एज इट इज क्या रहेंगे 4 अदर क्या रहेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, सिग्मा 2s सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py, ऑल दीज ऑर्बिटल आर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस टोटल 8 मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर अपने 8 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो यहाँ पर फॉर्म किए हैं, तो इनकी एनर्जी लेवल अपने कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो इनमें एनर्जी लेवल से आप यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे एक सिंपल सा, कि जैसे आपको पता है कि जो एनर्जी है, आपको ये डायग्राम ऑलरेडी भी बता चुके हैं अपन कि ये 1s ऑर्बिटल है, ये कौन से हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिसको आपको शॉर्टकट में अपने यहाँ पर क्या डिस्कशन डिनोट कर रहे हैं AO से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कौन से हैं, ये 1s। अब क्या है कि इनसे क्या होंगे 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, 1 इज बॉन्डिंग और 1 अदर 1 इज एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या हुए फॉर्म हुए। ठीक है, अब इनमें
वन वन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग में होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या है कि अगर पी ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो लाइक आप यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड आप अलग अलग शो कर सकते हैं यहाँ पर और एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं अलग अलग यहाँ पर डिनोटेड कर रहा था, ये तो इनका एनर्जी लेवल हो गया। सो यहाँ पर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ये क्या है, टू पी जेड है, तो अदर भी क्या है, अदर एटम का टू पी जेड, सेकेंड एटम जो आपका मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसका टू पी जेड है, तो इनसे जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो एक तो हो गया बॉन्डिंग और एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा टू पी एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड और सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से अब आप इससे तो हो गया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, अब जो एक्स और वाई ऑर्बिटल्स हैं उनसे क्या होगा, कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, टू पी एक्स, या आप यहाँ पर वाई ले, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है, ये अदर का लिया अपने एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, टू पी एक्स, तो इसे आपको टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्डिंग टू पी एक्स और यहाँ पर पाई टू पी पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स ऑर्बिटल इस तरह से फॉर्म होंगे। इसी तरह से सेम एज इट इज किसके होंगे, वाई ऑर्बिटल्स के फॉर्म हो जाएंगे। तो टोटल आपको यहाँ पर टू ऐसे अगर अपनी स्टार्ट करते हैं तो टू टू फोर कितने हो गए, यहाँ पर फोर हो गए। अब यहाँ पर क्या आपके पास क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाई से, ठीक है, तो वाई से आप करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये टोटल एट ऑर्बिटल्स इस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर नोट से, वी नो दैट 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन टू एटम्स फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेजिनेटेड एज बॉन्डिंग सिग्मा 1s एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। इन द सेम मैनर द 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या फॉर्म करेंगे, एट एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल वन टू एटम्स ऑन टू एटम्स, ठीक है, गिव राइज द फॉलोइंग एट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक फॉर, या आपके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये तो एंटी बॉन्डिंग के फोर ऑर्बिटल्स और ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स के क्या हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं फोर, ठीक है, अदर फोर, ठीक, टोटल क्या हो गए यहाँ पर, एट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। फिर उसके बाद इनका जो आप यहाँ पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं आप फॉर्म कर रहे हैं तो उसका डायग्राम आपके सामने, ये मैंने आपको रफली वर्क में भी बताया है, यहाँ पर ये 1s ऑर्बिटल से ये 2p z से और ये 2p x से, ठीक है ना, तो आप इसमें ओवरलैपिंग से जो बताते हैं उस तरह से आप इसमें ये भी बता सकते हैं। तो आपको यहाँ से केवल ओनली क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम से आपको ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, द एनर्जी लेवल ऑफ दीज मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैव बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम द स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा फ्रॉम होमोन्यूक्लियर डाई एटोमिक मोलिकूल्स ऑफ सेकेंड रो एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सेकेंड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो इसका अपन ये बोले कि जो सेकेंड ग्रुप है, उस सेकेंड ग्रुप्स के पीरियोडिक टेबल्स के जो सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह का बिहेव यहाँ पर शो करेंगे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर ऑक्सीजन और फ्लोरिन मोलिकुल्स, ठीक है, तो ऑक्सीजन मोलिकुल्स के लिए आप इन दोनों के लिए बहुत यही कंडीशन होगी। देखिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, ठीक है, तो 1s2 2s2 और 2p4 ये इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसके। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि इनसे कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, टोटल क्या हो जाएंगे, 8 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि आप इनका पार्टिसिपेट होगा, तो पार्टिसिपेशन होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से क्या है कि ऑक्सीजन से जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स यहाँ पर जो फॉर्म होंगे वो कौन कौन से, उसका सिक्वल क्या रहेगा, सिग्मा वन एस, सिग्मा बॉन्डिंग वन एस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वन एस, ठीक है। ये तो वन एस ऑर्बिटल से फॉर्म हुआ। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या लेंगे, सॉरी ये टोटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड आपका ये तो हो गए 1s ऑर्बिटल से, अब आप क्या बताएंगे 2s ऑर्बिटल से। तो फर्स्टली क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, और उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा फॉर्म आपका pz ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या पार्टिसिपेट करेगा pz, ठीक है। pz कौन सा आएगा, बॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि अब आप यहाँ पर ये नहीं लेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल, यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज इट्स एनर्जी इज लो कंपेयर टू 2p पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनर्जी जो बनाएंगे, तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा इसका, जो इसके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वो पाई बॉन्डिंग 2px और इसके इक्वलेंट क्या रहेगा, पाई 2py ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी क्या रहेगी, इक्वलेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या लेंगे यहाँ पर एंटीबॉन्डिंग, पाई एंटीबॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटीबॉन्डिंग 2py, और सबसे लो एनर्जी जो आएगी वो एनर्जी, सॉरी सबसे हाई एनर्जी जो आएगी वो किसकी आएगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी लेवल का क्या है, एक क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका एक सिक्वल, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, ये इनका एक सिक्वल यहाँ पर ये फॉर्म होता है, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर आप अगर आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं यहाँ पर कि ये जो ऑर्डर फॉर्म हुआ है, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक डायग्राम से बताते हैं जो अपनी बुक से अलग होते हैं। ये तो हो गया इसका एनर्जी, ठीक है। अब फर्स्टली आप यहाँ पर क्या लेंगे, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल है, तो इससे आप यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर इसका फॉर्म करेंगे, और ये कम्प्लीटली फिल है, यानी कि 1s2 है और यहाँ भी 2 है, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कम्प्लीटली फिल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस आएगा किसका, 2s का, फिर यहाँ पर आ गया आपका 2s ऑर्बिटल। इस 2s ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनसे जो एनर्जी यानी कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो इस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो गए, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है, 2s ऑर्बिटल्स। फिर आती है अपनी पी ऑर्बिटल्स पर। अब पी ऑर्बिटल्स पर अपन बात करें तो यहाँ पर तीनों को आप एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये 2pz 2py और 2px, ठीक है। यहाँ पर आप 2pz 2py और 2px, ठीक है, इस तरह सिक्वल में आपने ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर फॉर्म किए। तो यहाँ पर जो इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करेंगे, तो पहले आप बात करेंगे बॉन्डिंग में, तो इसकी जो एनर्जी है वो ये हो गई, कौन सा हो गया, ये बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, ठीक है। इससे से आप क्या फॉर्म करेंगे, एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग यहाँ पर जो फॉर्म होंगे, वो पाई बॉन्डिंग जो यहाँ पर फॉर्म होंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, इसके कंपेयर ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएंगे, px और py, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर ये एनर्जी होगी। इसी तरह से आप यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्म करेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर आप फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ से आपके py और pz जो ऑर्बिटल, सॉरी x और y जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी जो एंटी बॉन्डिंग्स हैं
इनकी एनर्जी भी यहाँ पर क्या रहेगी, इससे लेस रहेगी, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल्स यहाँ पर पाई ऑर्बिटल्स यहाँ पर होंगे। ये तो पाई ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग और ये पाई ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग, कौन से हैं, 2px और 2py, एक एक्स और एक वाई ऑर्बिटल्स। तो ये अब आपका सिक्वल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, कि ये सिग्मा 1s, ठीक है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये सिग्मा बॉन्डिंग 2s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, पाई बॉन्डिंग 2px और 2py, इक्वलेंट एनर्जी इक्वल, फिर आपका एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग और उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, 2pz ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो ये इसका सिक्वल इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आएंगे अब, तो उन डेफिनेशंस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।